मित्रगण, कर्मचारी मित्रगण, मीडिया के मित्रगण, आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। ये कार्यशाला आगरा वृंदावन के मेहसा में आ रहे, बनारस के मेहसा में, आगरा की मेहसाइबा है। अगर आने जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उसकी गणना किया जाए तो एक तिहाई से ज्यादा जनसंख्या। सब जगह हम लोग अर्बन सेंटर प्रपोज किया है, तो जो सारे फैसिलिटी जो है, उसके अलावा कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल भी है, उसके वजह से रेवेन्यू के जनरेट करेंगे हम सब कैंटीन। मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी का आगमन हो चुका है, आपकी तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं महोदय का। मैं निवेदन करती हूँ उत्तर प्रदेश के नगरों को परिवर्तित करने की जो हमारी आपकी सामूहिक शक्ति है, उस शक्ति का दर्शन किया जाए, उस शक्ति का आभास किया जाए, तो वो एक आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप उस शक्ति के प्रति धन्यवाद। लेकिन आप में वो शक्ति हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, आप में से कई लोग कई बार मेयर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि वो पहली बार चुने गए हैं, और उसमें भी अग्र सचिव, प्रमुख सचिव श्री अमित अभिजात जी, सचिव रंजन जी, निदेशक नेहा शर्मा जी और हमारे सभी अधिकारी मित्र और सामने बैठे हुए सभी। उपस्थित सभी नवनिर्वाचित महापौर, सभी नवनिर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी नवनिर्वाचित नगर पंचायतों के अध्यक्ष, मैं आप सबको एक बार दोबारा बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो जरा पूर्ति में लगे हैं उसकी पूर्ति में पूरी तरह सफल हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। भारत में ऐसा एक प्रयोग हुआ है कि चुनाव के तुरंत बाद, अभी आप लोगों ने परसों 27 तारीख को, कुछ लोगों ने तो 28 और 29 को भी शपथ ग्रहण किया होगा, तो अभी आपकी शपथ ग्रहण पूरी हुई है और 48 घंटा भी नहीं बीता हमने आपको यहाँ आने की तकलीफ दे दिया। ये अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, आपको शायद ये आभास नहीं होगा कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए। एक कल हमको एक अध्यक्ष मिली थी, वो थोड़ा निराश दिख रही थी कि हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी डंपर नहीं है, एक भी फॉगिंग मशीन नहीं है, तो मैंने उनको आश्वस्त किया चिंता उसके लिए सब हो जाएगा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किस चीज का, किस आपको अपने आपके नगर का प्रथम नागरिक तो बना ही जाता है,
लेकिन आप कितने महत्वपूर्ण पद पे हो, शायद आपको भी इस बात का अंदाज नहीं होता होगा। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की पहचान होते हैं भाई, हमारे नगर जो है हमारे राज्य की या देश की या प्रदेश के चेहरे होते हैं। जब कोई आदमी आपके नगर में उतरता है, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जब लखनऊ में बनारस में गोरखपुर में उतरता है, तो उसी से उस शहर को देख करके उस नगर को देख करके वो अपने पूरे प्रदेश के बारे में एक छवि बना लेता है कि ऐसा एक प्रदेश होगा। अगर वो साफ है सुंदर है तो उसकी छवि वैसी बनती है। तो आप ऐसे कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक ऐसे कार्य को की अगुवाई कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण। इतना ही नहीं, जैसा कि मुख्य सचिव जी ने बताया, मैं राजेश शंकर हूं, नगर पालिका परिषद भैजोई जिला संभल जिसका मुख्यालय भैजोई में हो उसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ आया हूं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसी के तहत आज हम सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को यहाँ बुलाया है। और जैसा कि यहाँ विशेषज्ञ माननीय प्रमुख सचिव जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन मिलने वाला है और बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी दूसरा सत्र चल रहा है। अभी प्रमुख सचिव आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी जो भारत सरकार में भी प्रमुख पदों पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों पर हैं, उनका उद्बोधन हुआ है, नगर विकास मंत्री जी का उद्बोधन हुआ है और शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसे निश्चित रूप से ऐसे बहुत से विषय आएंगे जिनको नई नई जानकारी प्रदेश सरकार के द्वारा मिलाई जाएंगी। मैं तीसरी बार नगर पालिका का चेयरमैन बना हूँ, दो बार मैं बना हूँ, मेरी पत्नी बनी है एक बार, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ जाएंगे और उन नई चीज़ों का अपने शहर में किस प्रकार से हम विकास करें, किस प्रकार से परिवर्तन करें, उसके बारे में यहाँ हम लोग सब लोग चर्चा करेंगे। आज कार्यशाला है और शिकायत और जो नगर पालिकाओं में परिवर्तन होना है, क्या हमारी अपेक्षा है, उन पर चर्चा हम माननीय प्रमुख सचिव जी से और नगर विकास मंत्री से उनके कार्यालयों में जाकर मिलेंगे। आज कुछ सीखने के लिए आए हैं, शिकायत का दौर आगामी समय में चलेगा, जो भी अपेक्षाएं हैं उनके लिए हम पुनः उन लोगों से मिलेंगे। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो सरकार की सोच है और जिस प्रकार से सरकार ने शहर में स्वच्छता के लिए बजट दिया है, शहर में विकास कार्यों के लिए पैसा दिया है और सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार जो 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में नगरीय शहरों में रह रहे हैं उनके व्यापक परिवर्तन के लिए सरकार बहुत प्रयासरत है, उसका लाभ आगामी 2024 के चुनाव में मिलेगा और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे एक सोच होती है और सोच के पीछे माननीय मोदी ने बहुत ऐसे लोगों को प्रेरक कहानियां भी सुनाई हैं। स्वयं उन्होंने स्वच्छता के लिए फावड़ा उठाया है, लोगों को प्रेरित किया है और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शहरों में बहुत बड़ा परिवर्तन स्वच्छता के बारे में हुआ है और हम सब लोग भी उनके विजन के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार नगर को स्वच्छ करेंगे और लोगों का कहानियाँ भी सुनाई हैं। स्वयं उन्होंने स्वच्छता के लिए फावड़ा उठाया है, लोगों को प्रेरित किया है और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शहरों में बहुत बड़ा परिवर्तन स्वच्छता के बारे में हुआ है और हम सब लोग भी उनके विजन के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार नगर को स्वच्छ करेंगे और लोगों का सहयोग लेते हुए परिवर्तन करने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के, उस विजन को हम पूरा करेंगे, उनके सपनों के साकार करने के लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से शहरों में परिवर्तन होगा। स्वच्छता का जो सरकार का मापदंड है, सरकार की जो सोच है कि हर नगर प्रतिस्पर्धा करे और अपने शहरों को स्वच्छ रखे, उसी प्रतिस्पर्धा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से अपने शहर को स्वच्छ करेंगे। निश्चित रूप से परिवर्तन मिलेगा, सीखने का एक समय होता है और हमेशा व्यक्ति सीखता है और यहाँ से भी कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर हम जाएंगे।